हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख ही रहे होंगे कि ये एक अंडरस्टैंडिंग टाइप्स में क्वेश्चन है। साइंस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस क्वेश्चन को अभी हम बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, ए बुक सेलर हैज़ 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 आर्ट्स स्ट्रीम बुक्स। एक बुक सेलर के पास 420 साइंस स्ट्रीम की किताबें हैं और 130 आर्ट्स स्ट्रीम की किताबें हैं। ही वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। वह चाहता है इन किताबों को एक स्टैक में रखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो स्टैक की संख्या होगा वो सेम नंबर बराबर होनी चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द सरफेस, और साथ ही कम एरिया लगना चाहिए। तो इनके नीचे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, यहाँ पे इसका फिगर भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पोज। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या का किताब कितना वो रखेगा हर स्टैक में, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्यूशन किए हुए हैं, मैंने आप लोग को इससे पहले कई बार समझाया हुआ भी है कि जब भी मैक्सिमम रहे तो मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट आप लोग को एससीएफ फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एससीएफ आप कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आपके पास दो मेथड है, एक डिवीजन मेथड है और एक हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। यहाँ पे साइंस किताब का जो संख्या था वो दे दिया गया है साइंस स्ट्रीम का 420, और आर्ट्स स्ट्रीम का दे दिया गया है 130। अब इन दोनों का एससीएफ करने के लिए हम लोग का दोनों का फैक्टर करना होगा, तो यहाँ पे फैक्टर करके लिख दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको फैक्टर करके दिखाया भी गया है। तो ऊपर में 420 का फैक्टर है और यहाँ पे 130 का भी फैक्टर जो है वो करके दिखाया गया है। अब इन दोनों का फैक्टर कर लेने के बाद जो भी कॉमन निकला यहाँ पे हम लिख लिए, यानी 2 और 5 कॉमन निकला, तो हम इन दोनों में से लिख लिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो 10 आ गया। तो बस आपको सिंपल एससीएफ फाइंड कर लेना है। तो एससीएफ फाइंड करना बहुत ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कौन सा मेथड हम यूज़ किए हैं उसको भी लिखना था, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किए हैं तो हम इसका नाम लिख लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को बनाए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, दूसरा जो क्वेश्चन था ये दिया गया था, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किए थे, इसलिए दूसरा का आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी तैयारी को मैं और अच्छे से करवा सकूँ। थैंक यू।